हाय एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक वन शॉट रिवेंज। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से रिवेंज लेने के लिए आए हैं। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फेस पे स्माइल तो था लेकिन मन में एक दूसरे के लिए करवाहट भरे पड़े थे। एक दूसरे को इतना नफरत करते हैं, चाहे तो एक दूसरे को अभी मार देगा। ऐसा ही इन दोनों की नफरत, लेकिन क्यों है ये हमें बाद में पता चल जाएगा। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, मुझे भी। तो तुम मुझसे मिलने के लिए इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया कि मैं तुम्हारे पास खींचा चला आया। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं हूँ ही इतना हैंडसम, हर कोई मुझसे मिलना चाहते हैं। त्यांग बोलते, नहीं मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम मुझसे दूर ही नहीं रह सके। तो तुम मेरे पास रहना चाहते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, हाँ? त्यांग की बात सुनकर जंगकुक बोलते हैं, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? एक्चुअली त्यांग को ऐसा लगता है जिमिन युंगी से शादी नहीं करना चाहते हैं जंगकुक की वजह से, और जंगकुक को ऐसा लगता है युंगी जिमिन से शादी नहीं करना चाहते हैं त्यांग की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं था, युंगी और जिमिन की शादी इसलिए टूट गया था जेहोप को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और कुछ नहीं। और इन दोनों को लगता है कि इन दोनों की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर त्यांग और जंगकुक ने सोच लिया है कि ये दोनों शादी कर लेगा और एक दूसरे से बदला लेगा, क्योंकि जिमिन की बहुत अच्छे दोस्त थे जंगकुक और युंगी के बहुत अच्छे दोस्त थे त्यांग। तो फिर जंगकुक त्यांग से इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि त्यांग जिमिन और युंगी के बीच में ना आ सके, और त्यांग भी सेम रीजन की वजह से जंगकुक से शादी करना चाहते हैं। आरएम और जिन इन दोनों की शादी लेकर बहुत खुश है। इन दोनों की शादी की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। आरएम त्यांग की ब्रदर है और जिन जंगकुक की ब्रदर। इन दोनों ने की शादी तय किया है और ये दोनों भी मान जाते हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं जिमिन और युंगी के बीच में जाने के लिए। और इन दोनों को लगता है एक दूसरे को अगर शादी कर लेगा तो इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के चक्कर में इन दोनों की शादी हो गया है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज शादी की पहली रात है और त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ स्वागत मनाने वाला हूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चाहे जितना कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग के बीच में आ जाते हो लोग के प्यार को तोड़ने के लिए। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, मैं अगर ऐसा हो तो तुम कैसा हो? तुम भी तो वो ही काम करते हो, लोग के प्यार को तोड़ना चाहते हो, लोग के प्यार के बीच में आ जाते हो, तुम बहुत ही घटिया हो। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक उसको दीवार के साथ पुश करते हैं और बोलते हैं, तुमने मुझसे क्या कहा? तुम्हारे जैसे हर एक इंसान को समझते हो क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे घटिया। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुमने मुझे घटिया कहा, और एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं। आरएम और जिन बाहर से बोलते हैं, क्या हुआ तुम दोनों फाइट कर रहे हो क्या? ठीक है जितना चाहे फाइट करना है कर लो, क्योंकि आज तुम दोनों की फास्ट नाइट है और तुम दोनों जितना चाहे फाइट कर सकते हो। और ये बोलकर आरएम और जिन बाहर से चले जाते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। पहले जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाते हैं और उसको बोलते हैं, मैं आज तुम्हें मार ही डालूंगा। त्यांग भी जंगकुक को पलटकर ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दो प्यार करने वाले को कैसे अलग कर सकते हो, तुम बहुत घटिया हो। जंगकुक बोलते हैं, तुमने भी तो वैसा ही किया है, तुम मुझे क्या बोल रहे हो? और दोबारा से आरिम और जिन बोलते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या सच में फाइट कर रहे हो क्या? जंगकुक और त्यांग अंदर से बोलते हैं, आप दोनों बाहर क्या कर रहे हो, क्या हम दोनों क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ सुनने के लिए खड़े हो क्या? आरएम बोलते हैं, नहीं हम दोनों जा रहे थे, लेकिन दोबारा से तुम दोनों की फाइट करने की आवाज़ सुनाई दिया तो हम दोनों पूछने के लिए आ गए हैं, क्या सच में तुम दोनों फाइट कर रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मत करो, लेकिन तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो? त्यांग बोलते हैं, नहीं हम फाइट नहीं कर रहे हैं, हम तो रोमांस कर रहे हैं, और ऐसे भी हम दोनों फाइट क्यों करेंगे? जंगकुक बोलते हैं, हाँ उसने सही कहा, हम दोनों फाइट नहीं कर रहे हैं, और आज हम दोनों की शादी की फास्ट नाइट है, आप दोनों बाहर से चले जाओ, क्योंकि हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। जिन बोलते हैं, ए लड़के बिना पता नहीं क्या क्या करता है। आरएम जिन से बोलते हैं,
मैंने तो तुमसे कभी इस तरह से प्यार नहीं किया है जिन, मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए एक बार। चलो कमरे में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिन बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या? तुम भी कहाँ शुरू हो गए हो, छोड़ो मुझे। लेकिन आर्यन जिन को गोद में उठाकर कमरे में लेकर जाते हैं और यहाँ पर जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुमने क्या कहा? हम दोनों प्यार कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें लोगों की प्यार के बीच में आने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्यार कैसे किया जाता है। और त्यांग की होठों पे किस कर लेते हैं और बहुत ही जोर से बाइट करते हैं, जिसे त्यांग को बहुत दर्द फील होता है। और त्यांग भी जोंगकुक को पलट कर उसके ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? और वो भी जोंगकुक की होठों पर बाइट करते हैं और उसकी होठों से भी खून निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बाइट किए जा रहा था। एक दूसरे को बाइट करते करते त्यांग जोंगकुक की यार पे बाइट कर देते हैं और जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करते हैं और त्यांग को पलट कर उसके ऊपर आ जाते हैं और वो खुद को त्यांग में इन करते हैं और बहुत ही फास्टली ये सब कुछ कर रहा था। त्यांग जैसे दर्द से आवाज़ करते हैं, जोंगकुक को बहुत ही मज़ा आ जाते हैं और वो बहुत ही फास्टली ये सब कुछ करते हैं ताकि त्यांग को और भी ज़्यादा पेन फील हो। त्यांग की हालत ख़राब हो गए थे जोंगकुक की वजह से। जोंगकुक ने त्यांग को पूरी रात बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, त्यांग बहुत ही गुस्सा था जोंगकुक से। त्यांग बोलते हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूँगा। और जैसे ही वो दोनों सुबह की ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं, जिन और आर्यन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों ने रात को बहुत मज़ा किया है क्या, इतनी जल्दी उठ गए हो? जोंगकुक बोलते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आर्यन बोलते हैं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा, और तुम्हारा ह्यूंग भी तो है। जिन बोलते हैं, हाँ जोंगकुक, तुम्हें किसने कहा ऑफिस जाने के लिए? तुम त्यांग के साथ घूमने के लिए चले जाना, ठीक है? जोंगकुक बोलते, नहीं, आज बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वहाँ पर रहना होगा, नहीं तो वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे रोकता हूँ मीटिंग पे जाने के लिए, अब तुम किसी भी हालत में मीटिंग पे नहीं जा सकते हो। और जोंगकुक की जोश पर एक दवाइयाँ मिला देते हैं। जोंगकुक ने वो नोटिस नहीं किया है और सबके सामने ही ब्रेकफास्ट कर रहा था, इसलिए जोंगकुक को कोई भी शक नहीं हुआ। वो उस जूस को पी लेते हैं। जैसे ही उस जूस को पी लेते हैं, जोंगकुक की पेट खराब हो जाते हैं और वो वॉशरूम जाने लगते हैं। जिन बोलते हैं, क्या हुआ जोंगकुक, अब तुम इतने बार बार वॉशरूम क्यों जा रहे हो? तुम्ही ने तो कहा तुम्हें मीटिंग पे जाना है, क्या तुम मीटिंग पे नहीं जा रहे हो? अगर नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करके कैंसिल कर देता हूँ, इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग है? जोंगकुक बोलते, नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं, मुझे जाना होगा, लेकिन अचानक मेरा पेट कैसे ख़राब हो गया है? आर्यन बोलते हैं, कहीं तुमने गलत कुछ तो नहीं खा लिया है ना जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? जोंगकुक बोलते, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है, जो यहाँ पे है मैंने वही खाया है सिर्फ, और सिर्फ मैंने जूस और ब्रेड खाया है और कुछ नहीं। त्यांग जोंगकुक को देखकर बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें घर रहकर रेस्ट करना चाहिए। जोंगकुक बोलते हैं, इसका मतलब तुमने मेरे जूस पर कुछ मिलाया था? त्यांग बोलते हैं, क्या तुम क्या बोल रहे हो? जोंगकुक बोलते, नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मेरे जगह पे तुम्हें जाना चाहिए मीटिंग पर, और तुम भी इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, और मुझे लगता है तुम इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो और इस डील को साइन कर सकते हो, ये डील कैंसिल नहीं होना चाहिए। त्यांग, अब ये तुम पर है, तुम क्या कर सकते हो मैं वो देखना चाहता हूँ। क्या आर्यन ह्यूंग, मैंने सच कहा ना? आर्यन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है त्यांग वो मीटिंग जाकर अटेंड कर सकते हैं और इस डील को साइन कर सकते हैं। त्यांग सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा, मुझे त्यांग पर पूरा कॉन्फिडेंस है। जिन बोलते हैं, नहीं, त्यांग को नहीं जाना चाहिए, जोंगकुक की ख्याल रखना चाहिए, अब मुझे लगता है तुम्हें और मुझे जाना चाहिए। जोंगकुक बोलते, नहीं, वो तो सिर्फ त्यांग ही कर सकते हैं क्योंकि वो मेरा पार्टनर है और वो इसको बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेगा, मुझे लगता है आप दोनों को नहीं जाना चाहिए, इसको त्यांग पर छोड़ दीजिए। आर्यन जिन को बोलते हैं, जोंगकुक ने सही कहा, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? उसने जो कहा उसकी तरफ से बिल्कुल सही है और मैं भी जोंगकुक के साथ ही हूँ। त्यांग जोंगकुक की तरफ देखते हैं और मन में बोलते हैं, मेरे खुद के ह्यूंग ने ही मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जाना ही होगा। लेकिन जिन को बोलते हैं,
थैंक्स ह्यूम, आपने मेरे बारे में सोचा है और हम दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए कहा, लेकिन शायद जॉनकुक मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तो मुझे भेज रहे हैं, वरना वो मुझे रोक लेते और आप दोनों को मीटिंग अटेंड करने के लिए देते। आरएम बोलते हैं, लेकिन त्यांग, मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है और मैं जानता हूँ जॉनकुक के अलावा इस मीटिंग को तुम ही हैंडल कर सकते हो, हम दोनों भी नहीं, तो तुम्हें जाना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, पुरो, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे क्या? जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम उन पर गुस्सा क्यों उतर रहे हो, उन्होंने सही तो कहा, तुम मेरे अलावा ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो और तुम भी तो इस मीटिंग पे हिस्सा लेने वाले थे ना मेरे साथ, तो आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? त्यांग बोलते हैं, क्या, मैं कब इस मीटिंग पर जाने वाला था? जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम भूल गए हो, तुम्ही ने तो मुझे कल रात को बोला था कि तुम भी मेरे साथ इस मीटिंग पे जाओगे, और हाँ त्यांग, इस मीटिंग पे एक भी डील कैंसिल नहीं होना चाहिए, हर एक डील हमारा होना चाहिए, तुम कर लोगे मैं जानता हूँ। त्यांग बोलते हैं, तो तुम मुझे सबके सामने फंसा रहे हो, अब मैं चाह कर भी इस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ और ना ही इस डील को अपने हाथ से जाने दे सकता हूँ, अब मुझे ये सब कुछ करना होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रदर की वजह से। त्यांग तो अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा था। आर्यन त्यांग को बोलते हैं, त्यांग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तरह से चल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हारे कमर में दर्द हो रहे हैं, क्या डॉक्टर बुला कर लाओ? जिन बोलते हैं, आर्यन तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि उसको मत भेजो, तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या? जॉनकुक और त्यांग की कल फास्ट नाइट थे और तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या उसकी हालत इस तरह से क्यों दिख रहे हैं? वो बहुत ही पेन फील कर रहा होगा और तुम उसको ऑफिस भेज रहे हो। आर्यन तुम उसकी खुद की ह्यून होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ लेकिन तुम नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुमने तो मेरी हालत ऐसा ही कर दिया था। तुम और जॉनकुक एक जैसी ही हो, तुम दोनों की वजह से हम दोनों की हालत हमेशा ख़राब हो जाएंगे, मैं जानता हूँ, और अब त्यांग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। त्यांग की हालत एक मैं ही समझ सकता हूँ, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। आर्यन जिन को बोलते हैं, अब इसमें मैंने क्या कर दिया है? जॉनकुक ने खुद कहा त्यांग को जाने के लिए, तो मुझे लगा त्यांग को जाना चाहिए और मैं जानता हूँ मेरे लिटिल ब्रदर ये सब कुछ कर सकता है, इतना क्वालिफाइड वो है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो हर एक डील को साइन कर सकते हैं और हर एक मीटिंग को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, इसी वजह से मैंने त्यांग के बारे में बोल दिया है, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था जिन, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन बोलते, अब बोलने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, आगे से मैं जो कुछ भी बोलूँगा तुम बीच में नहीं बोलोगे, समझे तुम? आर्यन बोलते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गया है। जिन बोलते हैं, अब तुम मुझसे सॉरी मत कहो, तुम जाकर त्यांग से सॉरी कहो, क्योंकि त्यांग तुमसे बहुत गुस्सा होगा, वो खुद भी मना कर रहा था लेकिन तुम उसको फोर्स कर रहे थे, तुम बहुत ही बुरे ब्रदर हो। तो फिर त्यांग उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और उस मीटिंग को सक्सेस करते हैं और वो डील उन दोनों के पास आ जाते हैं। जॉनकुक बहुत ही खुश है, त्यांग को पनिशमेंट भी मिल गया है और अब वो मीटिंग उसको करना भी नहीं पड़ा और डील जॉनकुक के नाम हो गए है। जॉनकुक बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे लेकिन वॉशरूम जाते जाते उसकी हालात ख़राब हो गए थे और त्यांग की हालात ख़राब हो गए है मीटिंग में बैठकर, क्योंकि मीटिंग बहुत देर तक चला था और त्यांग को बैठने में बहुत तकलीफ हो रहा था, इसकी वजह सिर्फ जॉनकुक की है और जॉनकुक की हालात भी यहाँ पर ख़राब है, दोनों को ही पनिशमेंट मिल जाते हैं। आखिर में योंगी और जिमिन उन दोनों को पता चल जाता है कि त्यांग और जॉनकुक ने शादी कर लिया है। योंगी बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्या उन दोनों ने शादी भी कर लिया है और हम दोनों को कहा भी नहीं? जिमिन योंगी को बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार कब हो गया और शादी भी कर लिया है, हम दोनों को बोला भी नहीं? योंगी बोलते हैं, कैसे बोलेगा, हमने भी तो कहा नहीं है, हम दोनों ने शादी कर लिया है और हम दोनों सेटल हो गए हैं, वो दोनों हम दोनों से बहुत गुस्सा होगा। जिमिन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है हम दोनों को जाकर उन दोनों से मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को पता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लिया था और एक दूसरे से अलग हो गए थे, अब दोबारा से एक हो गए हैं और शादी कर लिया है। त्यांग और जॉनकुक को जैसे ही पता चलेगा वो दोनों खुश भी होंगे और गुस्सा भी करेगा, क्योंकि हम दोनों को लेकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहा था। योंगी बोलते हैं, ठीक है चलो जाकर उन दोनों से मिलते हैं, और जॉनकुक के घर आ जाते हैं उन दोनों से मिलने के लिए। जॉनकुक जिमिन को हक करके बोलते हैं, देखो मैंने त्यांग से शादी कर लिया है और वो अब तुम दोनों के बीच में नहीं आएगा,
और त्यांग योंगी को हक करके बोलते हैं, मैंने जोंगकुक से शादी कर लिया है, अब वो तुम दोनों के बीच में नहीं आएगा। योंगी और जिमिन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम दोनों क्या बोल रहे हो, हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम और जोंगकुक मिलकर योंगी को चीट कर रहा था। जोंगकुक बोलते, नहीं जिमिन और मैं मिलकर चीट नहीं कर रहा था, तुम और योंगी मिलकर जिमिन को चीट कर रहे थे। तो योंगी और जिमिन बोलते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिमिन बोलते हैं, जोंगकुक मेरा ब्रदर जैसा है, वो मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं उसके साथ मिलकर योंगी को कैसे चीट कर सकता हूँ। योंगी बोलते, त्यांग भी मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं उसके साथ मिलकर जिमिन को नहीं चीट कर सकता हूँ, तुम दोनों क्या बोल रहे हो। जोंगकुक और त्यांग बोलते, क्या तो हम दोनों जो सोच रहे थे क्या वो गलत है। जेहोक एंटर करते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों को क्या लगा, तुम दोनों की वजह से इन दोनों के साथ चीटिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने ये सब कुछ किया है ताकि जोंगकुक को ऐसा लगे त्यांग उन दोनों के बीच में आ रहा है और त्यांग को ऐसा लगे जोंगकुक उन दोनों के बीच में आ रहा है। इस तरह से तुम दोनों शादी करने के लिए मान जाओ। और ऐसा करने के लिए आर्यम और जिन आ जाते हैं और बोलते हैं, हमने कहा था। तो जोंगकुक और त्यांग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब सबका प्लानिंग किया हुआ था और हम दोनों इन सब की चीज़ों के बीच में फंस गए हैं। जोंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींच कर लेकर आते हैं और त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, मुझे जो लगा था तुम भी वही गलती कर रहा था, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ त्यांग, तुम मुझे पहले से ही पसंद थे, लेकिन जब से मैंने देखा है योंगी और तुम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, तो मुझे लगा तुम उन दोनों के बीच में आ रहे हो। त्यांग बोलते, मुझे भी ऐसा ही लगा था और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जोंगकुक। जोंगकुक बोलते हैं, तो क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं हमेशा के लिए और तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। त्यांग बोलते हैं, नहीं, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना, क्योंकि मैंने ही सुबह को तुम्हारी जूस में दवाइयाँ मिला दिया था ताकि तुम्हारा पेट खराब हो जाए और तुम मीटिंग पे ना जा सको। जोंगकुक बोलते हैं, मैं जानता हूँ और मैं जानबूझकर तुम्हें मीटिंग पे भेज रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि तुम वो मीटिंग अच्छे से अटेंड कर लोगे और वो डील साइन करके आओगे, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हाँ मैंने इसलिए भी ऐसा किया था ताकि तुम्हें तकलीफ हो और मैं जानता था मीटिंग बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं, सॉरी त्यांग ये सब कुछ करने के लिए। त्यांग भी जोंगकुक से सॉरी बोलते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन जिमिन बोलते हैं, लेकिन जेहोक तुमने जो योंगी को आई लव यू बोला था वो क्या था। जेहोक बोलते, वो सिर्फ एक एक्टिंग ही था, सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए ताकि तुम इस गलत फैमिली की शिकार हो जाओ और योंग को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और इन दोनों को ऐसा लगे कि इन दोनों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ मेरे प्लानिंग की हिस्सा है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, और मैंने ही तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फैमिली हुआ था सब कुछ ठीक कर दिया था, तो तुम दोनों मुझे माफ़ तो कर दिया है ना। योंगी और जिमिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम्हें भी एक लाइफ पार्टनर चुन लेना चाहिए। तो जेहो बोलते हैं, मैंने वायन से शादी कर लिया है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर जोंगकुक अपना पेट पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना होगा, क्या त्यांग तुम मेरा हेल्प कर सकते हो मुझे वॉशरूम लेकर जाने के लिए। सब लोग बोलते हैं, जाओ जाओ जल्दी जाकर उसको हेल्प करो ताकि वो यहाँ पे ये सब कुछ ना कर दे। त्यांग जोंगकुक को पकड़ कर बोलते हैं, क्या तुम ठीक तो हो ना, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। जोंगकुक बोलते, हाँ चलो मेरे साथ, और उसको कमरे में लेकर जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ तुम वॉशरूम नहीं जा रहे हो, जल्दी से जाओ वरना देर हो जाएगा। जोंगकुक त्यांग को दीवार पर पुश कर देते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। त्यांग बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा था और बोलते हैं, क्या कर रहे हो, तुम तो वॉशरूम जाने वाले थे ना, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया जोंगकुक। और जोंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं और एक किस बहुत ही लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं। सो गाइस इस फैन फिक्शन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, एक वन शॉट है, इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा। तो आप लोग को ये रिवेंज कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ रिवेंज अगर लंबा कहानी सुनना हो तो मुझे उसके लिए सोचना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ आप लोग अपना ध्यान रखना और बहुत ही खुश रहना, नया साल आ रहा है, पिछले साल को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाना,
अच्छी अच्छी यादों को लेकर नए साल का शुरुआत करना और होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए हमारा तेकुक तो है ही। तो आप लोग को ये कहानी जैसी भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहे तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।